दोस्तों, फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां हर साल हजारों लोग कलाकार बनने के सपने को पूरा करने के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ लोग सफल हो जाते हैं तो कुछ संघर्ष करते रहते हैं। साल 1985 में ऐसे ही एक कलाकार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आया, जिसने आते ही अपने अभिनय का जलवा बिखेर दिया और दर्शकों के बीच अपने पहली ही फिल्म से मशहूर हो गया। वो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के बीच लोकप्रिय तो हो गया, लेकिन अपने उस स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाया और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से धूमिल होता गया। इसके साथ ही दर्शक भी उस अभिनेता को भूलते गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी पहली ही फिल्म से लोकप्रियता हासिल करने और टार्जन के नाम से मशहूर होने वाले अभिनेता हेमंत पिरजी की, जिन्होंने उसके बाद कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपने पहले फिल्म के बाद उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वो दर्शकों के बीच से अचानक गायब हो गए। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। इसके अलावा वो कई स्टार अभिनेताओं के साथ अभिनय करते नजर आए, लेकिन उनका ग्राफ लगातार नीचे ही गिरता गया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे, साथ ही कैसे उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से अभिनेता बनने का सफर तय किया इसके बारे में भी बताएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 19 अगस्त साल 1965 को कर्नाटक के बेलगाम में एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। उसके बाद उनका परिवार महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुणे के सेंट्रल आर्मी स्कूल में पूरा किया और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए पुणे के FYBCOM वैद्य कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वैसे हम उनके स्कूल और कॉलेज की पुष्टि नहीं करते हैं। खैर, उसके बाद वो नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर की नौकरी करना शुरू किया, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। समय था साल 1984 के अंत का, जब फिल्मकार बब्बर सुभाष अपने एक फिल्म के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे थे जो दिखने में अच्छा और हट्टा कट्टा नौजवान हो, लेकिन उनकी खोज तब समाप्त हो गई जब उन्होंने हेमंत पिरजे को देखा। बब्बर सुभाष ने उन्हें अपनी फिल्म में अभिनय करने के लिए कहा और उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए तुरंत हाँ कर दिया। भला ऐसी अपॉर्चुनिटी को कौन ठुकरा सकता है, इसलिए उन्होंने भी आए हुए मौके को हाथों हाथ धर लिया। उसके बाद करीब 2-3 महीने तक उनकी ट्रेनिंग हुई और जब वो एक अभिनेता के लायक हो गए तब फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। दोस्तों, ये फिल्म थी एडवेंचर ऑफ टार्जन, जो साल 1985 में आई थी। इस फिल्म के निर्देशक बब्बर सुभाषी थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था। इस फिल्म में हेमंत ने टार्जन की मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके अपोजिट अभिनेत्री किमी कटकर दिखाई दी थी। इसके अलावा इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे दलीप ताहिल, ओम शिवपुरी, सुधीर और अन्य सह कलाकारों ने भी इस फिल्म में अपना अहम योगदान दिया था। बहरहाल, इस फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। इसके गानों को भी काफी पसंद किया गया। इस फिल्म ने रातों रात हेमंत को लोकप्रिय बना दिया था और वो दर्शकों के बीच टार्जन के नाम से मशहूर हो गए। इस फिल्म के बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। यहाँ से उनकी गाड़ी अच्छे ट्रैक पर निकल पड़ी और इस तरह एक सिक्योरिटी गार्ड से अभिनेता बनने का उन्होंने अपना सफर तय किया। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने साल 1986 में हॉरर फिल्म तोखाना में अभिनय किया। इस फिल्म को श्याम राम से और तुलसी राम से द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म के मुख्य किरदार हीरा के रूप में हेमंत ही दिखाई दिए और उनके साथ आरती गुप्ता नजर आईं। इसके अलावा इस फिल्म में कामरान रिजवी, त्रिलोक कपूर, नरेंद्र नाथ, पुनीत इस्सर और इम्तियाज खान जैसे मुख्य कलाकार भी शामिल थे। सभी कलाकारों ने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया था। फिल्म दर्शकों को पसंद तो आई, लेकिन एक औसत फिल्म बनकर रह गई। उसके बाद वो साल 1988 में फिल्म वीराना में नजर आए। ये भी एक हॉरर फिल्म थी जिसे रामसे ब्रदर्स द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में जैस्मिन धुन्ना, हेमंत बिरजे और साहिला चड्ढा दिखाई दिए। इसके अलावा कुलभूषण खरबंदा ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में सहायक भूमिका में गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह, विजेंद्र खटके, रामा विज, विजय अरोड़ा और लीला मिश्रा जैसे कलाकार शामिल थे। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और ये अपने बजट से कई गुना अधिक कमाई करने में सफल रही। अभी तक तो हेमंत का करियर अच्छा चल रहा था और उन्हें फिल्में भी मिल रही थी। 3 फिल्मों में काम करने के बाद वो अपनी चौथी फिल्म आग के अंगारे में दिखाई दिए, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में भी हेमंत ही लीड रोल में नजर आए और उनके साथ अर्चना पूरन सिंह भी दिखाई दी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और दर्शकों ने इसे नकारा दिया। यहीं से हेमंत के करियर का ग्राफ भी नीचे गिरने लगा।
साल 1988 में आई फिल्म कमांडो में वो दिखे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल थे। इसके अलावा फिल्म में अभिनेत्री मंदाकिनी और किम भी दिखाई दी। साथ ही इस फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। लेकिन हेमंत को इससे अधिक सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि फिल्म में मशहूर अभिनेता मिथुन के अभिनय के सामने उन्हें दर्शकों से अधिक प्यार नहीं मिला। इसके बाद वो कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे लश्कर, कौन करे कुर्बानी, शेरे हिंदुस्तान और चांडाल। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, लेकिन इन सभी फिल्मों में हेमंत बतौर मुख्य अभिनेता नहीं दिखाई दिए, इसलिए वो दर्शकों को अधिक प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाए। जब उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो वो साउथ की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने लगे। उन्होंने साल 2010 में आई तेलुगु भाषा की फिल्म सिम्हा में अभिनय किया। उसमें वो सहायक भूमिका में नजर आए, लेकिन उन्हें साउथ की फिल्मों से भी अधिक कामयाबी नहीं मिली। कहा जाता है कि फिल्मों में काम ना मिलने के चलते वो काफी परेशान रहने लगे और उनकी माली हालत भी खराब होने लगी थी। वो अचानक ही फिल्मी दुनिया से गायब हो गए थे, लेकिन 6 जनवरी साल 2023 में आई एक मराठी फिल्म सूर्या में वो एक बार फिर दिखाई दिए, जिसमें वो एक सहायक भूमिका में नजर आए। फिलहाल वो अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं। उनके निजी जिंदगी की बात करें तो वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम रेशमा बिरजे है। वो एक हाउसवाइफ हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम बॉबी बिरजे है, जबकि बेटी का नाम सोनिया बिरजे है। बॉबी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, वहीं पर सोनिया एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं। उन्हें फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन, आशिकी 3 और कसक के लिए जाना जाता है। हालांकि अभी तक वो फिल्मी दुनिया में अधिक लोकप्रिय नहीं हुए हैं। उनके पिता का नाम आनंद बिरजे है, हालांकि उन्होंने कभी अपनी माँ के बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए उनकी माता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा उनके भाई बहनों के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में काम करने वाले बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो किसी विवाद से बचे हैं। साल 2012 में उनकी पत्नी द्वारा उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया गया था। उन्होंने लोकल पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब के नशे में हेमंत ने उन्हें और उनकी बेटी को फिजिकली अब्यूज किया है। इस मामले के बाद वो चर्चा में आ गए थे। इतना ही नहीं, साल 2015 में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि वो इलीगल तरीके से मुंबई के एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और काफी समय से उसका किराया तक नहीं दिया है, इसलिए अपार्टमेंट के मालिक ने उनके ऊपर FIR दर्ज कराया था। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पुलिस को ओनर के रूम को खाली करने का आदेश दे दिया था। दोस्तों, उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिली। हालांकि अपनी पहली फिल्म से वो दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए थे, लेकिन उस लोकप्रियता को वो अधिक समय तक बरकरार नहीं रख पाए और समय के साथ वो फिल्मी दुनिया से गायब हो गए। इससे एक बात समझ में आती है कि लोकप्रिय होने से कहीं ज्यादा मुश्किल उस लोकप्रियता को बरकरार रखना होता है। आज वो 58 वर्ष के हो चुके हैं और अपनी खोई हुई लोकप्रियता के तलाश में हैं, इसलिए वो दोबारा से अभिनय की दुनिया में आ गए हैं। उम्मीद है कि वो दोबारा से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होंगे। फिलहाल वो मुंबई में अपने ही परिवार के साथ में रहते हैं। बाकी आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे क्या आप उनके बारे में जानते थे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।